तो अगर तुमने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर वीडियो पर डिसलाइक ठोक दिया है तो तुम उन बच्चों में से हो जो कि अज्जू भाई के जबरा फैन है। अब तुम और कुछ करने से पहले वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे फेवरेट अज्जू भाई की असलियत तुम्हारे सामने लाने वाला हूँ। और जो लोग कमेंट्स में ये लिखते हैं अज्जू भाई सबका बाप है, वो लोग ये कमेंट करने से पहले ये सोच लिया करो कि अगर वो सबका बाप है तो वो तुम्हारा भी बाप होगा। आगे मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर उन लोगों के अंदर तक जल जाएगी, तो वो लोग ये कमेंट करने की सोचना भी मत। और ये हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सर से अज्जू भाई नाम का भूत उतर जाए, और अगर ना उतरे तो मुझे कमेंट करके बता देना, इस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इस पर सीरीज में वीडियो बना दूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो तुम लोग कमेंट करने लगोगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा तबला तोड़ होने वाली है, क्योंकि अभी कैरी की वीडियो देख के आया हूं। अब आगे तुम खुद समझ सकते हो कि वीडियो कैसी होने वाली है। तो चलो। अबे ये कहां से आ गया? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वी लोग का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। सबसे पहले आते हैं अज्जू भाई के कंटेंट पर। ये ऐसा कंटेंट डालता है, फाउंड हैकर, डायमंड हैकर, हेडशॉट हैक, फलाना हैकर, ढिमकाना हैकर। मतलब थंबनेल तो ऐसा बनाया जैसे उसने सदी की सबसे बड़ी खोज कर ली हो, और इससे समाज का बहुत भला होगा। तो यार मुझे एक बात बताओ, डायमंड हैक अभी भी चलता है क्या? नहीं ना, तो गरीना प्लीज इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेना। नहीं लोगे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। गरीना के एम्प्लॉयज जैसे यूट्यूबर्स के लिए कठपुतली बन के रह गए हैं। अज्जू भाई इतने बड़े लेवल पर होकर ऐसा कंटेंट डाल रहा है, अब इनकी ऑडियंस ऐसा कंटेंट देखेगी तो उनकी गांड में चुल मचेगी, और वो लोग एक्साइटमेंट में यूट्यूब पर जाएंगे और हैक सर्च करेंगे और उन्हें आसानी से मिल जाएगा, और फिर वो रैंक मैच और टूर्नामेंट्स में सबकी मारेंगे। और बंदों को गेम में जितने ज्यादा हैकर मिलेंगे उतने ही ज्यादा गरीना की रेटिंग कम होगी। तो गरीना अपना फायदा कर लो, नहीं करोगे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बाद में तुम ही पछताओगे। अब ये 1v4 AAM फलाना ढिमकाना ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे पेल देता है, और बच्चे इसकी वीडियोस देख के खुश हो जाते हैं। अज्जू भाई ने 30 किल किए, अज्जू भाई ने सबकी मार दिया, अज्जू भाई ने 50 किल किए। तो यार देखो, एक तो ये पीसी प्लेयर है, ऊपर से अपनी रैंक गोल्ड प्लेटिनम ऐसे करा लेता है, तो बंदे भी वैसे ही आते हैं। अगर ये अपनी रैंक डायमंड या हेरोइक पे रखेगा ना, तो बंदे इसे कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अब तुम कहोगे कि वो पीसी में खेलता तो उससे तेरी क्यों चल रही है, तू भी तो पीसी में खेल सकता है, तुझे किसने रोका है? तो मैं बता दूं कि मुझे चीटिंग करके खेलना पसंद नहीं है, और वैसे भी फ्री फायर पीसी के लिए नहीं बनी है, मोबाइल के लिए बनी है, तो मोबाइल में खेलो ना। और मेरी गांड में चुल नहीं मची है कि मैं पीसी में खेलूं, और मैं जो ये खेल रहा हूं ना अभी, वो भी मैंने फोन में ही खेला है। अब तुम लोग कहोगे कि तूने फोन में खेल के कौन सा तीर मार लिया, तो यार ये बात मैं मानता हूं कि मैं नूब हूं, मैं फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे बड़ा नूब हूं, लेकिन मैं ये बात कम से कम मान तो रहा हूं, मैं उन लोगों की तरह तो नहीं हूं जो नहीं मानते हैं, और मैं कम से कम चीटिंग करके तो नहीं खेल रहा हूं। अज्जू भाई पीसी प्लेयर है, ये बात उसकी पूरी ऑडियंस जानती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसकी ऑडियंस को लगता है कि अज्जू भाई बेस्ट प्लेयर है। ये बंदा अपनी ऑडियंस का धर के काटता है, ये अपने थंबनेल्स पे इतना क्लिकबेट करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो लोग मैच्योर है उन्हें पता है कि इसकी वीडियोस देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और एंड में हमारा कट जाएगा। इसके वीडियोस इसके ऑडियंस के सिवाय कोई नहीं देखता। इसकी जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं जिनकी एज 14 से नीचे है, और जिन्हें आसानी से बेवकूफ बना देता है। और जो कुछ गिने चुने लोग हैं जो इसकी ऑडियंस है और 14 के ऊपर है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा शरीफ है, वो शरीफ कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर वो शरीफ ना होते तो वो इसकी वीडियो ना देखते। और कुछ बंदे इसको सिंपैथी देते हुए वीडियोस बना देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि ये बहुत सही बंदा है। तो आज मैं तुम्हें उनकी भी सच्चाई बता देता हूँ। उन लोगों को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग वीडियो में जो बोल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उसका कोई लॉजिक है या नहीं। वो अज्जू भाई को सिंपैथी देते हुए वीडियोस इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर वीडियो के टाइटल और थंबनेल में अज्जू भाई का नाम होगा तो व्यूज दबा के आएंगे, और अज्जू भाई को अच्छा बोलेंगे तो उसकी ऑडियंस उन्हें भी सब्सक्राइब करेगी। और अज्जू भाई अपने चैनल पर इतने सारे गिव अवेज करते हैं, लेकिन उन गिव अवेज के विनर का भी पता नहीं चलते, यानी कि ये फेक गिव अवेज करते हैं। तो यार अगर तुम इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट करके बताना, और लाइक एम ज्यादा नहीं रखा है, 25 लाइक्स का एम है, तो कंप्लीट करवा देना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम।